रूस और यूक्रेन भीषण जंग की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ रूस इस युद्ध में और ताकतवर बनकर उभरा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पूरी तरह से पश्चिमी देशों के हथियारों पर निर्भर है। रूस लगातार अपने सैन्य भंडार को मजबूत करने में लगा हुआ है, और वहीं ज़ेलेंस्की गोला बारूद और हथियारों के लिए अपने सहयोगियों के आगे कई बार गिड़गिड़ाते नजर आए हैं। और पिछले दो सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, और इस बात को पुतिन भली भांति जानते हैं, इसलिए वो और ताकत के साथ यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। और साथ ही रूसी सेना लगातार अपने सैन्य साजो सामान को मजबूत करने में जुटी हुई है। रूसी सेना का ताजा वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ हल्ला बोलने वाला है। सेना की ओर से एक भारी परिवहन ड्रोन का टेस्ट किया गया है। बड़ा क्वाडकॉप्टर विमान 200 किलोग्राम तक पेलोड उठा सकता है। इसे एक किफायती फ्रंटलाइन लॉजिस्टिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। पेरून नाम वाले इस ड्रोन पर से रूस के रक्षा मंत्रालय ने पर्दा हटाया है, जिसमें इसे ऑपरेट करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में विमान के दो अलग अलग वर्जन दिखाए गए हैं। उनमें से एक में ऐसे रोटर का इस्तेमाल किया गया है जो एक तार पर हथियार लिए जवान को उड़ाने की ताकत प्रदान करता है। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो ये घरेलू स्तर पर बने सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होता है। ड्रोन के एक अलग मॉडल का फुटेज भी है, जिसके टॉप पर कंधे से छोड़ी जाने वाली फगोट एंटी टैंक मिसाइल दिखाई देती है। इस ड्रोन से हथियार को जमीन और हवा दोनों से फायर किया जा सकता है। आपको बता दें कि पेरून कथित तौर पर यूक्रेन के बाबा यागा ड्रोन के जैसे ही प्लेटफॉर्म पर विकसित है। बता दें कि यूक्रेन ने अपने 6 बड़े रोटर खेतों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन मॉडल का सैन्यकरण किया है, और रूस के साथ संघर्ष में सैनिकों की सप्लाई करने और विरोधी ताकतों पर छोटे हथियार गिराने के लिए इन विमानों का उपयोग किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो रूसी वर्जन में साफ तौर से ज्यादा वहन क्षमता है। इसका इस्तेमाल फ्रंटलाइन से घायल सैनिकों की निकासी के लिए किया जा सकता है। इसे सरप्राइज अटैक के लिए छोटी कमांडो टीम के परिवहन और हथियारों के लॉन्च के रूप में भी इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। सेना ने इसे मशीन गन और एयर लॉन्च्ड रॉकेट के साथ टेस्ट करने की प्लानिंग भी की है। माना जा रहा है कि रूस आने वाले समय में यूक्रेन पर बड़े स्तर पर हमले करने की तैयारी में है, जो उसकी हालिया तैयारियों में साफ तौर से दिख रहा है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि रूस के नए रक्षा मंत्री की नई रणनीति किस हद तक और कितनी कारगर साबित होती है।